नमस्कार जी, सभी किसान भाइयों को एग्रोनेक्स्ट की तरफ से। जी आज हम जीवाणु पत्ता अंगमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह समस्या धान की फसल में आती है। लक्षण की मुख्य दो अवस्थाएं होती हैं। अधिक खतरनाक अवस्था को क्रेसक कहते हैं। रोपाई के 1 से 6 सप्ताह के बीच रोगग्रस्त पौधों की शुरू में गोब सूखने लगती है, पत्तियाँ पीली होकर सूख जाती हैं और जो रोगी पौधे हैं मर जाते हैं, और जब हम तने को दबाते हैं तो उसमें से पीला और सफ़ेद रंग का पदार्थ निकलता है जो कि चिपचिपा होता है और भी कीटों को अपनी तरफ खींचता है, और पत्ते के मध्य में और किनारों पर पीले रंग की धारियां बन जाती हैं और जो सारे पत्ते को अपनी चपेट में ले लेती हैं। और नमी की अवस्था में हम देखते हैं जीवाणु से एक बूंद निकलती हैं जो कई समय बाद सूख कर पपड़ी के रूप में रह जाती हैं। इसके बचाव के लिए क्या करना है? इसके बचाव के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 लीटर 1 हेक्टेयर में आपने स्प्रे करनी है, या फिर नाइट्रोजन का उपयोग कम करें क्योंकि इससे ये कीट काफ़ी बढ़ता है जिससे ये बीमारी फैलती है। ऐसी कोई और समस्या पशुओं या फसलों के संबंधित हो तो हमारी एग्रोनेस्ट ऐप पे पोस्ट करें, हमारी टीम आपको जल्दी से हल प्रोवाइड करवाएगी। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे एग्रोनेक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।